हमें कहानी की शुरुआत में एक बीहड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। वो किसी जमाने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस है, ना आर्मी है और ना ही कोई नेता है। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर छिड़ गया था, जिसके बाद हवा जहरीली हो गई और धरती पूरी तरीके से बंजर हो गई है। अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन साथ ही है। इन सब की अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में अब आगे निकलता है, तभी वहाँ पर एक गाड़ियों का काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी को टक्कर मारकर पलटा देता है। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद मैक्स को ले जाते हैं और उसकी पीठ पर एक टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है और निगेटिव, जो कि उसका ब्लड ग्रुप है। ये यूनिवर्सल डोनर है। तभी मैक्स को अपना गुलाम बना लिया जाता है और इससे पहले कि गुलामी की मोहर लगा दें, मैक्स इनकी चुंगल से भाग जाता है। ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। जितने भी लोग हैं, ये सब इमोर्टन जॉय के लिए काम करते हैं। इमोर्टन जॉय यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड दो पाइप लगे होते हैं। ये इसी के जरिए सांस ले पाता है, यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए ये शिकंजा पहनना जरूरी है। इमोर्टन जॉय जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक ऊंची चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमजोर होते हैं। इमोर्टन जॉय सबसे कहता है कि तुम सब मेरे जरिए ही ऊपर उठोगे, मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। इसके बाद वो पानी छोड़ता है। पानी देखकर ये सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है, लोग भूख से प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसलिए सब पानी के लिए लड़ते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरोजा होता है और ये भी इमोर्टन जॉय के लिए काम करती है। इमोर्टन जॉय ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि फ्यूल स्टेशन पहुंचे, ये अपनी गाड़ी पूर्व की तरफ मोड़ लेती है। उसका एक आदमी पूछता है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फ्यूरोजा कहती है कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे। उसका ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता था क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसलिए सभी गाड़ियां पूर्व की तरफ निकल पड़ती हैं। ये पूरा नजारा इमोर्टन जॉय ऊपर से अपनी दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा था, जो लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसका वंश आगे चल सके। पर अब वो पांचों की पांचों लड़कियां यहां से गायब हैं। वो समझ जाता है कि उन्हें फ्यूरोजा अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को पीछा करने के लिए कहता है। इमोर्टन की आर्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वो इमोर्टन के लिए अपनी जान दे सकती है। इमोर्टन जॉय की आर्मी का नाम वॉर्स वाइज है। ये न्यूक्लियर रेडियंस जैसी एक बीमारी से ग्रस्त है जिस वजह से इन सबको खून की जरूरत होती है और इसलिए इन्होंने मैक्स को बंदी बनाया है। जहां पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो कि बहुत कमजोर होता है, लेकिन वो फ्यूरोजा को किसी तरह पकड़ना चाहता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है जिसके शरीर में से एक पाइप निकल रहा होता है, जिससे खून वो वार सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमोर्टन जॉय के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फख्र की बात होती है। वहीं फ्यूरोजा को दिखाया जाता है जो कि दूसरे लोगों के इलाके में पहुँच जाती है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूरोजा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके वो सभी मारे जाते हैं। पर अब वो इमोर्टन जॉय की सेना जो कि फ्यूरोजा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो उनसे लड़ने लगते हैं और वो उनको एक एक करके सबको मार देते हैं। पर फ्यूरोजा को ये पकड़ते उससे पहले एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्यूरोजा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो फ्यूरोजा का पीछा करते करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। वो फ्यूरोजा की गाड़ी के पास होता है और वो गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्यूरोजा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले पल उसकी गाड़ी फ्यूरोजा की बड़ी गाड़ी से टकरा जाता है। वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैक्स जिंदा है, वॉर सोल्जर मारा गया। वो उसी जंजीर से बंधा होता है। वो उसे अपने कंधे से उठाकर गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्यूरोजा उन 5 लड़कियों के साथ भागी थी। वो 5 लड़कियां वहीं पर होती हैं। मैक्स उनकी तरफ गन तान देता है और उनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, पर जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तब फ्यूरोजा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तभी वो वॉर सोल्जर मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता है, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। किसी भी कीमत पर फ्यूरोजा को पकड़ना चाहता था ताकि इमोर्टन जॉय मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फ्यूरोजा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीरें काट देता है, लेकिन मैक्स उसे पंच मारकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। फ्यूरोजा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोर्टन जॉय की कैद से छुड़ा कर लाई थी, उनसे कहती है, अगर बचना है तो मेरे साथ
चलो, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जॉय की पूरी सेना उसे पकड़ने के लिए आ रही होती है। फिरोजा उस गाड़ी की तरफ भागती है जो मैक्स वहाँ से लेकर चला था। वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फिरोजा वहाँ पहुँच जाती है। मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, ये मेरे बिना नहीं चल सकती, इसलिए मैक्स को इन सब को गाड़ी में लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। फिरोजा कहती है कि मैंने उनसे डील की थी, ये हमें जाने देंगे, मुझे नहीं पता कि हमें जाने देंगे या नहीं। वो पांचों लड़कियों और मैक्स को छुपने के लिए कहती है और इसके बाद वो उनके इलाके में एंटर कर जाती है। यहाँ पर जो उन लोगों का सरदार होता है वो कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फिरोजा ने यहाँ से गुजरने के बदले उन्हें तेल देने का वादा किया था जो उनकी गाड़ी के पीछे गोल्ड टैंकर में होता है। इससे पहले कि वो टैंकर को अलग करती, फिरोजा देखती है कि इमोर्टन जॉय अपने लोगों के साथ इन लोगों के पास पहुँचने वाला ही होता है, इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकाल लेता है। फिरोजा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का वो इलाका होता है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोर्टन जॉय और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर वॉयज है वो सब बाहर रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है वो सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। वो अपनी बाइक से मैक्स और फिरोजा का पीछा करना शुरू कर देते हैं और मैक्स और फिरोजा एक एक करके यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि इस जगह से आगे बढ़ते, इमोर्टन जॉय अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ गाड़ी तक पहुँच जाता है। इमोर्टन जॉय फिरोजा को गोली मारने ही वाला होता है तभी उन 5 लड़कियों में से एक को गाड़ी से बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में इमोर्टन जॉय का बच्चा होता है, इसलिए इमोर्टन जॉय उस पर फायरिंग नहीं करता क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, ये उसके लिए बहुत जरूरी है, वो उसका बंस है। फिरोजा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है, वो अपनी गाड़ी से जंजीर फायर करता है और वो जंजीर उसके स्टेयरिंग पर अटक जाती है जिस वजह से वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाते और तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। पर इससे पहले कि वो गाड़ी को कंट्रोल कर पाते सामने एक चट्टान आ जाती है। वो किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं पर उनकी गाड़ी का दरवाजा टकरा जाता है और वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर ही होती है और जब वो गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पूरा पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। पीछे से इमोर्टन जॉय आ रहा होता है, वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोर्टन जॉय गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वो लड़की जिसके पेट में उसका बच्चा है वो पूरी तरह से जख्मी है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमोर्टन जॉय दर्द से कर्रहा उठता है। वहीं मैक्स और फिरोजा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। उस गाड़ी में इमोर्टन जॉय का आदमी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नग्स था, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था, उसके शरीर से खून निकाल कर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर मौत से परेशान होता है, वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, तुम लोगों को पकड़कर इमोर्टन जॉय को सौंप सकता था, मैं अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, मैंने अपने सारे मौके ही खो दिए। गाड़ी में जो 4 लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक लड़की समझ जाती है और वो कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं उनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है, अब रात हो जाती है। मैक्स और फिरोजा देखते हैं अभी भी इमोर्टन जॉय की गाड़ियों का पूरा काफिला उनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए मैक्स जमीन में डायनामाइट बिछाकर वहां से निकल जाता है और जब इमोर्टन जॉय का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं जिस वजह से इनकी सभी गाड़ियां वहां पर रुक जाती हैं। पर एक गाड़ी यहां से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स फिरोजा की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और इससे पहले कि मैक्स और फिरोजा यहां से निकल पाते उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में धंस जाता है जिस जैसे वो आगे नहीं बढ़ पाते। इनके साथ जो नक्स है वो उन्हें पहले मारना चाहता था लेकिन अब वो उनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सके। और अब ये गाड़ी की केबल को सूखे हुए पेड़ से बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो इन तक पहुंच जाती है, वो लगातार इन पर गोलियां चलाती है और इससे पहले कि वो सबको मार देते उनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा आगे बढ़ जाती है। मैक्स ऑयल का डिब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है। कुछ ही पलों के बाद फिरोजा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है, उसे लगता है कि मैक्स मारा गया।
पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही उनके सारे हथियार भी ले लेता है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलने के बाद सुबह जब रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फिरोजा एक टावर देखती है। वो बताती है कि बचपन में वो जिस जगह रहती थी वहाँ पर भी ऐसा ही टावर था। वो उस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फिरोजा वहाँ पहुँचने के बाद अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी मॉम का नाम भी बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब के सब फीमेल्स होती हैं और फिरोजा यहाँ पर अपनी मॉम से मिलती है। ये सब फिरोजा को पहचान लेते हैं। फिरोजा बताती है कि ये जो मेरे साथ चार लड़कियाँ हैं ग्रीन प्लेस जाना चाहती थी। तभी एक बूढ़ी औरत उसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रही हो ग्रीन प्लेस जो पहले रहने लायक था पर अब वहाँ नहीं रहा जा सकता। फिरोजा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद सब के सब प्लान बनाते हैं कि सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि ये अपने लिए नया घर ढूंढ सके, लेकिन मैक्स उनके साथ नहीं जाना चाहता। वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है और सब चले जाते हैं। तभी वहाँ पर छोटी लड़की के विजन्स आते हैं। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास में इस लड़की की जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी गाड़ी से फिरोजा के पास पहुंचता है। वो उससे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ नमक के अलावा कुछ नहीं है, हमें वापस इमोटनजोय के किले में जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात से सब सहमत होते हैं। एक बार फिर वो उसी गाड़ी से जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है इमोटनजोय के किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमोटनजोय और उसके आदमी उनकी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोटनजोय समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किले में सैनिक नहीं है इसलिए कब्जा करना चाहते हैं। इमोटनजोय अपने आदमियों के साथ पीछा करना शुरू कर देता है और मैक्स और फिरोजा उनके काफी लोगों को मार देते हैं। इमोटनजोय उन चार लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन फिरोजा किसी तरह इमोटनजोय की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उनके मास्क को खींच कर निकाल देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो सबको मारना चाहते हैं। नक्स गाड़ी चला रहा होता है, उसमें तेल का टैंकर होता है, वो उन गाड़ियों को टकराता है। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फिरोजा बहुत कमजोर हो जाती है। मैक्स समझ आता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसलिए वो उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है जिससे वो नॉर्मल हो जाती है और ये इमोटनजोय के किले तक पहुँच जाती है। वहाँ पर सैनिक भी होते हैं, पर जब ये इमोटनजोय की डेड बॉडी देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब नारा लगाते हैं कि इन सबको ऊपर आने दो, इसलिए यहाँ पर पानी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फिरोजा और इमोटनजोय की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं, यानी कि इस किले पर इन सब का अधिकार है। यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं। यहाँ पर हरियाली भी है इसलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तभी फिरोजा मैक्स को देखती है, वो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम अब पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।